बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ चाप का कब्सा, जिसके लिए मैंने 6 अदद चाप ली हूँ और 1 किलो बासमती चावल जिसको मैंने भिगा के रखी हूँ, और गरम मसाला, अदरक लहसुन, ड्राई फ्रूट्स, प्याज और नींबू। इसमें काले नींबू यूज होते हैं लेकिन आसानी से नहीं मिलते, इसलिए मैंने अपने सादे नींबू यूज़ करी। सबसे पहले मैं अदरक लहसुन को हम दस्ते में कूट लूँगी क्योंकि इससे अच्छा टेस्ट आता है कब्से में। सबसे पहले हम तेल डाल रहे हैं, इसमें ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें भी हम प्याज डाल रहे हैं। ये प्याज मैं 3 अदद ली थी 1 किलो चावल के लिए। इसको अच्छा गोल्डन होने तक के भून लेंगी, जब तक कि मैं जो अदरक लहसुन है उसको हम दस्ते में कूट लेंगे। इसमें मैं गरम मसाला भी डाल दे रही हूँ, तेज पत्ते, दालचीनी, लौंग, छोटी इलायची, काली मिर्च और ये जीरा। ये प्याज के साथ भुने जाएगा। प्याज हमारे हल्की गुलाबी होने शुरू हुई है, पूरी तरह से नहीं हुई, इसलिए हम अभी इसमें काजू और बादाम डालेंगे। किशमिश में डालेंगे, सिर्फ काजू और बादाम डालेंगे क्योंकि इसको डालने से अपने कब्से में जो अच्छा मजा आएगा जब इसके सिरे में काजू बादाम पड़ेंगे। मैं जब गोश्त को उबालती हूँ इसके साथ में डालती हूँ क्योंकि उसका जो मज़ा है काजू बादाम का, वो उसके जो सूप रहता है गोश्त का उसके साथ में मिलके बहुत अच्छा टेस्ट आता है। प्याज अच्छी ब्राउन हो चुकी है, ड्राई फ्रूट्स भी इसमें भुने जा रहे हैं। अभी इसमें हम सबसे पहले गोश्त डाल देंगे, जो चाप है उसको डाल देंगे इसमें भुनने के वास्ते, और फिर मैं इसमें अदरक लहसुन जो कूटा हुआ है वो डालेंगे। आप बोलेंगे ये तो उल्टा काम कर रहे हैं, लेकिन इससे एक अलग मज़ा आता है, आप करके देखिए। मैं इसको अच्छे से इसमें भून लूंगी। मैं इसमें जायके के साथ से नमक डालूंगी जो गोश्त में अच्छे से ये हो जाए, तो इसको वापस से इसमें भूनूंगी। इसको मैं भून रही हूँ मसाले में, और इसको मैं भी मीडियम आंच पे थोड़ा सा 10-15 मिनट के लिए झाँक के रख दूंगी। साइड में मैंने पानी रखी उबालने के वास्ते, ये जब तक के भुने जब तक के, ये जो हमने रखे थे 20-25 मिनट भुनने के लिए, इसके अंदर मसाले के अंदर ये देखो ये ऐसा हो गया। अभी हम देखते हैं इसको गोश्त कितना ये हुआ है, गोश्त थोड़ा गल चुका है इसमें और थोड़ा बाकी है। अब इसमें हम पानी डाल देंगे जो बॉईल करने के लिए रखे थे। इसमें हरी मिर्ची भी डाल देंगे, हरी मिर्ची हमने पहले इसलिए डाले कि ये गोश्त के साथ घुल जाएंगी, गल जाएंगी, हमें साबित रखना है, इसलिए हरी मिर्ची को अभी हमने रखे डाल दिए। इसमें इतना पानी और लगेगा जितना भी हमने डाले हैं, और मैं इसमें पानी डालूंगी, फिर मैं इसमें और पानी डाल चुकी हूँ। अभी इसमें मैं किशमिश भी डाल दूंगी, किशमिश डाल दे रही हूँ। अभी किशमिश भी इसके अंदर पकेंगे, अभी इसको हम और 15-20 मिनट पकाएंगे पानी में। 20 मिनट उबाल के अभी इसको हम एक चाप निकाल के चेक करेंगे कि चाप गला क्या नहीं गला।
इसको मैं निकाल रही हूँ प्लेट में, उसको चेक कर रही हूँ। देखो एकदम मस्त गल गया बिना प्रेशर कुकर के। देखो इसी के अंदर दही में घुल गया। इसकी वजह यह है कि जो हमने 15-20 मिनट पहले तेल में भूनते हुए रखे थे ना, उसकी वजह से ये चाप अच्छे से गल गए हैं। ये सब चाप अच्छे से गल चुके हैं। सब चापों को मैं अभी प्लेट में निकाल लूंगी। छह चापों को मैंने निकाल चुकी हूँ, इसको नीचे रख रही हूँ। अब मैं इसमें चावल डाल दूंगी, यही उबाल में। इसी मैंने सब चावल डाल चुकी हूँ और मैंने चावल में जितना चावल ली हूँ, समझो 4 कप चावल ली हूँ, तो इसका डबल पानी नहीं डाली। सब डबल डालते हैं लेकिन मैं डबल इसलिए नहीं डाली कि खपसे के चावल थोड़े से कड़क लगते हैं, इसलिए मैं 4 कप चावल में 6 कप पानी डाली हूँ। मतलब डबल नहीं, 1.5 गुना पानी डाली हूँ मैंने। इससे चावल एकदम खपसे के जैसे बनेंगे। और इसको चावल का अपन ज़्यादा देर तक बासमती चावल को भिगाते हैं, इसलिए पानी थोड़ा कम डालना है। मैं अभी जो 4 चावल में से निकाली हूँ उसको मैरिनेट करने वाली हूँ, इसलिए उसमें सबसे पहले 1 टीस्पून ऑयल डालूंगी कि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए। अब इसमें थोड़ा सा और नमक मिलाऊंगी तो इसमें थोड़ा सा मज़ा आ जाए, और ब्लैक पेपर डालूंगी, काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून और 1 लींबू का जूस। ये मैं 1 लींबू डाल रही हूँ इसमें। चावल में उबाल आ चुका है, इसमें अभी मैं नींबू का जूस डाल रही हूँ। 2 नींबू का जूस डालिए। अब इसको हम अच्छे से मिला के अभी मैं इसको अच्छे से पैक करके दम पे रख दूंगी। ऑयल हमने गरम करने को रखे हैं, जो चाप को हमने मसाला लगाए थे वो उसको अभी हम इस ऑयल में फ्राई होने के लिए रख देंगे। ज़्यादा ऑयल नहीं है, डीप फ्राई नहीं है, सेलो फ्राई है, तो इस ऑयल में इसको हम धीमी आंच पे फ्राई में देंगे। ये आलू मिक्सर है, इससे हम इस गोश्त को इस तरीके से दबाएंगे, ऐसे दबाएंगे तो ये अच्छे से हो जाए, जैसा रोस्टेड हो जाए। देखिए कितना अच्छा हो गया। इसी तरीके से हम इस साइड से देखते से दबा लेंगे। एक हफ्ता हमारा तैयार हो चुका है, अभी हम इसको दम पे से खोल रहे हैं। ये चावल इसका जो आटा लगा हुआ है उसको निकाल ले रहे। बिस्मिल्लाह, ये हमारा कप्सा तैयार हो चुका है। इसमें अभी हम चाप रख रहे हैं सर्व करने के लिए। ड्राई फ्रूट को हमने ऑयल में थोड़ा सा फ्राई कर लिए थे, अभी इसको हम इसके ऊपर से डालेंगे। अरबियन कप्सा हमारा तैयार हो चुका है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आएंगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए।